नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से सोल्व कर रहे हैं। खंडन समाकलन हमारा इसका टॉपिक है। खंडन समाकलन कब करते हैं? जब दो फलन गुणा में हो, यानी यू वी के फॉर्म में हो। इसे यू वी इंटीग्रेशन भी हम कहते हैं। इसके लिए हम एक विशेष फॉर्मूला काम में लेते हैं, आईलेट। देखिए, आईलेट में प्रत्येक शब्द का मैं पहले मतलब दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो पूरे वीडियो में हमें केवल फॉर्मूले के आधार पे समझना होगा और हम अपने क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स। एल का मतलब लोग की फंक्शन, ए बीजगणितीय फंक्शन, टी त्रिकोणमितीय फलन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जो कि ई की पावर के जो फंक्शन होते हैं वो। ओके, समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू कौन सा है या वी कौन सा है, या ऐसे समझो कि फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट गुणा सेकंड से करते हैं, फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा है वो हम निर्धारित करते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। एक्स अपना एल्गोरिथमिक है और टी अपना क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। ये तो हुआ फर्स्ट, इसमें जो पहले आता उसको फर्स्ट, बाद में आता उसको सेकेंड लेते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो आई बराबर आपका क्या है, फर्स्ट गुणा सेकंड का इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ जो गुणा में आया है इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट का वैल्यू रखते हैं, सेकंड का वैल्यू रखते हैं, तो आई बराबर आपका क्या आता है। देखो, फर्स्ट क्या है, एक्स, सेकंड क्या है, साइन एक्स। फर्स्ट है आपका एक्स, सेकंड क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, तो दोस्तों अब आपको इंटीग्रेशन के सूत्र याद होने चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट बना के रखा है, वैसे आप भी चार्ट बनाकर रखें। यहाँ माइनस कोस एक्स, माइनस को बाहर ले लिया। इसका अवकलन क्या हो गया, एक्स का अवकलन वन हो गया। इसका समाकलन माइनस कोस एक्स, माइनस को बाहर लिया, माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो गया, यानी कोस एक्स का समाकलन। इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, आपके पास कोस एक्स आया है, और फिर इसका क्या हो रहा है, समाकलन, इसीलिए यहाँ पे समाकलन लिया है। अब देखो, कोस एक्स का समाकलन क्या होता है आपका, यहाँ सूत्र याद करो फिर, साइन एक्स होता है, और ये अनिश्चित समाकलन है तो हम प्लस साथ में सी लेते हैं। तो ये आ जाता है इसका फाइनल आपका आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर दो की। क्वेश्चन नंबर दो आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर दो तो बच्चों दे रखा आपको आई बराबर एक्स गुणा साइन थ्री एक्स का समाकलन। फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है, आई लेट से डिसाइड करना है। तो फर्स्ट कौन हुआ, देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन, सेकंड हुआ आपका त्रिकोणमितिक फंक्शन। फर्स्ट सेकंड का समाकलन बराबर फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वैल्यू रखते हैं हम, तो आई बराबर आपका आता है, फर्स्ट क्या है एक्स, सेकंड साइन थ्री एक्स, फर्स्ट एक्स तो इसका अवकलन, सेकंड साइन थ्री एक्स इसका समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक है, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। यहाँ साइन थ्री एक्स है तो इसका क्या हो गया समाकलन, कोस थ्री एक्स, एक्स की जगह थ्री आ गया। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए वहाँ केवल एक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एक्स की जगह थ्री एक्स आ रहा है। तो यहाँ जो भी संख्या होती है इसके गुणा में एक्स के, वो इसके बट्टे में आ जाती है।
एक्स का अवकलन एक हो गया, साइन थ्री एक्स का समाकलन माइनस कोस थ्री एक्स बटे थ्री, माइनस बाहर लेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, यानी कोस थ्री एक्स का समाकलन। यहाँ इसने रिजल्ट क्या दिया, इस पूरे ने माइनस कोस थ्री एक्स दिया और बटे तीन, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, फिर इसका क्या हो रहा है समाकलन, तो ये समाकलन ओके माइनस एक्स बटे थ्री कोस थ्री एक्स प्लस एक बटे थ्री वन बटे थ्री। देखो यहाँ पे कोस का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है थ्री एक्स, तो यहाँ जो संख्या होती है उसके बट्टे में आ जाती है, तो तीन गुणा तीन कितना हो गया आपका नौ, एन इसी समाकलन है तो प्लस सी लेते हैं ओके। तो यहाँ पर ये आ जाता है इसका आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए आपको कहीं भी कोई वीडियो में गलती लगती है या कोई आपको लगता है कि ये स्टेप समझ नहीं आया है, तो तुरंत उसी समय नीचे कमेंट करके आपको बता देना चाहिए, ताकि अगले वीडियो में इम्प्रूव किया जा सके। अब दोस्तों हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करनी है। यह दे रखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, डिसाइड किससे करना है, आईलेट से फर्स्ट एंड सेकंड कौन है। तो यहाँ पे एल्गोरिथमिक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फर्स्ट कौन हुआ, ये हुआ सेकंड, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड का पता लगते ही हम फर्स्ट गुणा सेकंड के सूत्र की बात करते हैं, फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन। तो आई बराबर आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट कौन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, फर्स्ट कौन है एक्स स्क्वायर, सेकंड कौन है ई टू द पावर एक्स, फिर इस पूरे का समाकलन। देखिए ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स, टू को बाहर ले लिया इसका, फिर इस पूरे का समाकलन। यहाँ पर अगेन हमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोष्टक में अब लेते हैं इसको, क्योंकि ये जो दो है वो उस पूरी टर्म के साथ गुणा में होगा, ये माइनस दो वो भी ओके। फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, माइनस दो को अब अंदर गुणा करते चलते हैं, ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स, माइनस गुणा माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का टू। यहाँ पर देखो बच्चों इसका वन हो गया, ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स, तो ये क्या आ गया ई टू द पावर एक्स का समाकलन, और ई टू द पावर एक्स का समाकलन क्या होता है आपका e टू द पावर एक्स ही होता है, ये हमारा एन इसी समाकलन है, तो हमें साथ में प्लस ही एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब देखो हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या है, और दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं तो e टू द पावर एक्स को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ गया टू एक्स, यहाँ पर प्लस टू प्लस सी ओके। अब देखिए अगला प्रश्न लिखता हूँ मैं, एक मिनट इफेक्ट चेक करता हूँ मैं, लाइव में है तो ठीक है। ओके अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर चार, प्रश्न नंबर चार है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स गुणा लोग एक्स। यहाँ पे क्या करना है, वही आई लेट
तो लोग ए से पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका एक्स क्या है एल्गोरिथमिक, और ये क्या है लोग का फंक्शन। इसमें फर्स्ट कौन आ रहा है, लोग, तो इसको फर्स्ट, बाद में कौन आ रहा है ए, तो इसको सेकंड। अब फर्स्ट गुना सेकंड का समाकलन का सूत्र लिखते हैं, फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए आई बराबर आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, सेकंड क्या है एक्स, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स इसका अवकलन, सेकंड क्या है एक्स इसका समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक है, देखिए एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बट्टे दो, लोग एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बट्टे एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे दो, और फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स से ये कितनी बार कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स बार कटता कैसे समझ लो, यदि नहीं आ रहा हो तो, एक्स गुणा एक्स है, एक एक्स से एक एक्स कट गया बचा क्या, एक एक्स, या ऐसे होता है ऐसे समझो, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या होगी -1, और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, तो 2 प्लस का 1 माइनस का क्या आता है एक्स की पावर 1 आता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आया है एक्स, एक बट्टे दो को बाहर ले लो, एक्स का समाकलन क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर बट्टे दो होता है, और ये आपका एन इस समाकलन है, तो साथ में प्लस सी कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे आई बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बट्टे दो लोग एक्स, एक बट्टे दो गुना एक बट्टे दो कितना होता है आपका 1/4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, यानी इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया है। अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं गलती लगी थोड़ी बहुत भी, हाँ ये आपने गलत कर दिया है, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो वो नीचे तुरंत कमेंट करो, और दोस्तों कोई भी वीडियो यदि आपको अच्छा लगे किसी टीचर का तो उसे शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों जो टीचर होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और इसमें ज़्यादा उन्हें कोई स्टार्टिंग में कुछ खास पैसे नहीं मिलते हैं, यानी वो केवल अपने जुनून और अपने सेवा भाव से काम करते हैं। दोस्तों टीचिंग का भी एक जुनून होता है, और वो जुनून की वजह से अपना काम करते हैं, तो उसको आपको सपोर्ट चाहिए होता है। अब देखो आईलेट का यहाँ पे काम है लेते हैं, तो ये एल्गोरिथमिक, ये लोग का फंक्शन, तो फर्स्ट कौन हुआ एल पे ले आ रहा, तो ये फर्स्ट, बाद में ये हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम अपने सेकंड, फर्स्ट गुणा सेकंड का फॉर्मूला काम लेते हैं, तो फर्स्ट जैसा है वैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इस फिर पूरे का समाकलन। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए फर्स्ट का कहीं पर भी आपको समाकलन नहीं दिख रहा डायरेक्ट, यहाँ ऐसे छोड़ दिया या इसका अवकलन किया, ठीक है ऐसे याद रख, लेकिन सेकंड का यहाँ समाकलन यहाँ समाकलन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू रखते हैं तो आपके पास क्या आता है, फर्स्ट क्या है लॉग 2x, ओके, सेकंड क्या है आपका एक्स है, फर्स्ट क्या है लॉग 2x, सेकंड क्या है एक्स, ऐसे दोस्तों साथ साथ में बोल बोल के करने से आपकी गलती नहीं होती, फिर इस पूरे का समाकलन। आपकी मैथमेटिक्स में ज़्यादा गलतियाँ हो रही तो उसको इस हिसाब से साथ साथ में बोल बोल के करो, तो आपकी गलतियाँ अपने आप सुधर जाएगी। देखिए एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे दो, लोग एक्स का, लोग 2x का अवकलन, लोग 2x का
अवकलन क्या होता है मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए लोग का अवकलन क्या होता है, एक बटा एक्स होता है, यहाँ एक्स की जगह टू एक्स है तो टू एक्स लिखो। उसके बाद जो ये फंक्शन होता है इसका अवकलन होता है, तो टू एक्स का अवकलन क्या होगा, टू बाहर आ जाएगा एक्स का वन, यानी क्या आता है आपका फाइनली एक बटे एक्स आता है। ओके समझ आ गया। तो यहाँ पे इस अवकलन की जगह यहाँ पे देखिए लोग एक्स लिख दिया जबकि क्या है टू एक्स, तो इस अवकलन की जगह आप क्या लिख सकते हैं एक बटे एक्स। कैसा है मैं अभी समझा दिया, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे दो और फिर इस पूरे का समाकलन। एक्स से एक्स स्क्वायर कितनी बार कटता है, एक्स बार, एक बटे दो को बाहर ले लिया, अगेन एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे दो, और दो गुणा दो नीचे कितना हो जाएगा आपका चार, और प्लस सी, ये हमारा अनिश्चित समाकलन है। तो ओके, तो इस प्रकार से ये आपका इसका क्या आ जाता है फाइनल आंसर आ जाता है। अब नीचे कमेंट करके तुरंत अभी आपको बताना होगा ये वीडियो कैसा लगा, कहीं कोई गलती हुई तो वो भी कमेंट करके बताना है। ओके अब देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, ये वीडियो करीबन हमारा आधे घंटे का होगा। ठीक है, आधे घंटे में हमने काफ़ी सारे प्रश्न कर लिए, आप देख पा रहे हैं कि आई बराबर एक्स स्क्वायर लोग एक्स का समाकलन, फर्स्ट कौन है ये, सेकंड कौन है ये, कहाँ से, आई लेट से, फर्स्ट गुणा सेकंड का फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो फर्स्ट जैसा है वैसा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। देखिए फर्स्ट कौन है लोग एक्स, सेकंड कौन है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट कौन है लोग एक्स, सेकंड कौन है एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन, और यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूले में क्या नहीं लिखा, इस फिर पूरे का समाकलन, तो यहाँ पर फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक है, कहीं एक आध कोई टर्म छूट जाती है दोस्तों, आई बराबर लोग एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटे थ्री, लोग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बट्टे थ्री, और फिर इस पूरे का समाकलन। ओके यहाँ पे एक्स क्यूब बट्टे थ्री को बाहर ले लिया, गुणा लोग एक्स, एक बट्टे थ्री को बाहर ले लिया, ये कितनी बार कटा आपका, ये पावर एक घटेगा तो दो, तीन माइनस एक कितना होता है दो, यानी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा एक्स क्यूब बट्टे थ्री, ये एन इस समाकलन है तो साथ में प्लस सी लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो आपका तीन गुणा तीन नीचे कितना होगा हो जाएगा नौ। ओके तो ये आ जाता है इसका आपका फाइनल आंसर। अभी तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी किए नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात में हमको क्या दे रखा है, देखो आई बराबर दे रखा है एक्स गुणा साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, क्या काम में लेना है अपना आई लेट, फर्स्ट कौन हुआ, ये देखो इनवर्स फलन है ये फर्स्ट, ये कौन सा एल्गोरिथमिक, तो ये सेकंड, फॉर्मूला लिखो फर्स्ट गुणा सेकंड का, फर्स्ट जैसा है वैसा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन, वैल्यू पुट करो तो आपका आई बराबर क्या आता है, देखिए फर्स्ट जैसा है वैसा सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का
अवकलन, सेकंड का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन। देखिए सेकंड कौन है, एक्स, एक्स रख दिया। फर्स्ट कौन है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स से रख दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 - x² होता है। यहाँ पे चलो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स ही है, एक्स का समाकलन 1/2। इसका अवकलन क्या आ गया, 1/√1 - x², इसका समाकलन क्या आ गया, 1/2 आपका 2 आ गया और साथ में dx। अब इसका समाकलन करना यहाँ पे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको यदि आप अरेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/2 को बाहर ले लें, ये आएगा आपके पास 1/√1 - x² dx आएगा। ठीक है, इस माइनस साइन को दोस्तों यदि हम अंदर ले लें, ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे इसको आप क्या मान लो, I1 मान लो, ठीक है, तो I1 बराबर ये जो समाकलन इसको I1 मान लो, ओके, I1 बराबर -x² √1 - x² dx। इसमें एक जोड़ दो और एक जोड़ दो, एक हटा दो, ठीक है, क्या करना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है, ये कुछ इस फॉर्म का बन गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 - x² √1 - x² -1/√1 - x² और यहाँ पे फिर इनका अलग अलग समाकलन लिख सकते हैं समाकलन के नियम से, कि दो फंक्शन योग में या बाकी में आ रहे हैं तो उनका अलग अलग समाकलन लिख सकते हैं यदि उनको पूरे का समाकलन हो रहा है तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि यदि ऊपर में एक्स है नीचे √x है, तो एक्स का मतलब क्या, एक्स की पावर 1, और ये √x का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, और ये ऊपर आता है तो इस क्या हो जाता है, -1/2, इन ऊपर क्या आ जाता है आपका √x आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऊपर देखो क्या है, 1 - x², नीचे क्या है, √1 - x² है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √1 - x² dx, और यहाँ देखिए इन इन दोनों के बीच साइन किसका है, माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको विशेष फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, यह फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। देखिए a² - x² का जो फॉर्मूला है वो आपके आगे की एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी कंपेयर करें तो a बराबर क्या है, 1x बराबर तो x ही है, और ठीक है, तो यहाँ पे I1 बराबर आपका आ जाता है 1 √√1 - x² 1/2 sin inverse x/1 लिखो या नहीं लिखो ये की बात है, और इसका डायरेक्ट आपके पास मिल जाएगा समाकलन कहाँ से, यहाँ से क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये ले लिया साइन इनवर्स एक्स, ओके, तो I1 आ गया। ठीक है, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका I बराबर आ गया 1/2 sin inverse x, और इसी के साथ दोस्तों ये जो 1/2 इसको अंदर गुणा करके चलो 1 - x², देखो 1/2 इन साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा, -1/2 sin inverse x, यहाँ क्या आ गया, -1/4 sin inverse x, और ये एन इस समाकलन है तो हम साथ में प्लस से सी लेते हैं, ओके। तो ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंदी निकला और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों आगे के, इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं है।
अब यहाँ से और यहाँ से देखिए हम बाहर ले लें 1/4 और साइन इनवर्स एक्स, तो इसको अरेंज करके लिख देता हूँ मैं। 1/4 लिया तो यहाँ क्या 2x2, और यहाँ पे क्या है -1, साइन इनवर्स एक्स को भी बाहर लिया। देखिए 1/4 बाहर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2x2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स को बाहर लिया ले लिया तो ये आपका बन जाता है। और साथ में क्या प्लस x/4 √1 − x2 और प्लस सी। अब देखिए आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे अभी का अभी कमेंट करके बताना, आपकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की, और फिर हमारा ये वीडियो भी अपलोड करते हैं यानी लाइव करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आया देखो 8 नंबर में, 8 नंबर प्रश्न है आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स गुणा टेन इनवर्स एक्स और डीएक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है ये, सेकंड कौन है ये, ठीक है। फर्स्ट गुणा सेकंड के समाकलन से, सूत्र से क्या करते हैं, फर्स्ट जैसा है वैसा गुणा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन और फिर इस पूरे का समाकलन। अब देखो यहाँ पर एक्स का समाकलन x2/2, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है फिर से याद रखो 1 + 1/1 + x2, यहाँ पे x2/2 और dx। जैसे हमने अभी समाकलन किया वैसे ही यहाँ पे आपको ये समाकलन करना पड़ेगा I1 मान के, ठीक है। इसको मान लो I1, तो I1 बराबर आपका, और 1/2 को बाहर ले लो, x2/1 + x2 है, इसमें एक जोड़ दो एक घटा दो, आपका आ जाता है ये इस फॉर्म का। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इससे ये कट गया यानी क्या आ गया 1 dx, और 1 dx का समाकलन क्या होता है x होता है 1/1 + x2 का जो आपका समाकलन होता है वो क्या आता है टेन इनवर्स एक्स होता है, तो इसका क्या आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है I1 आ गया। तो यहाँ पे I बराबर लिख देते हैं x2/2 टेन इनवर्स एक्स, इस 1/2 को यहाँ पे देखिए I1 के साथ गुणा में है तो इसके प्रत्येक टर्म के साथ गुणा में होगा, इसको भूलना नहीं है। तो x/2 − tan−1 x/2 और प्लस सी लेते हैं, ये हमारा अनिश्चित समाकलन है। तो ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 7 ने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था, लेकिन हाँ दोस्तों एक गलती कर दी हमने, और यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन भी अंदर गुणा होगा, वहाँ तो प्लस साइन था पहले के क्वेश्चन में, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन अंदर गुणा होने से ये क्या आएगा प्लस का है तो माइनस का, और माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है। अब सही है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार, और हमारे चैनल को